एक बड़ी खबर इस वक्त की, कल रूस के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत और रूस के 22वें शिखर वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा सहयोग, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान और तकनीक और परिवहन समेत कई विषयों पर चर्चा होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव पर भी बातचीत हो सकती है। भारत और रूस 6-7 समझौतों पर दस्तखत भी कर सकते हैं। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज, कितना अहम दौरा पीएम मोदी का जब वो रूस जा रहे हैं, क्या कुछ खास? देखिए, सबसे खास तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीतने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर जा रहे हैं और पहले विदेश दौरे के तौर पे उन्होंने मॉस्को को चुना है। इसके अलावा कल दिन के 11 बजे लगभग वो मॉस्को के लिए रवाना होंगे और 6.5 घंटे की फ्लाइट के बाद शाम को जब मॉस्को पहुंचेंगे तो वहां राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से उनके लिए निजी मुलाकात और रात्रि भोज का आयोजन किया गया। परसों भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे और फिर वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे जहां पुतिन भी मौजूद होंगे और कई मसलों पे बातचीत होगी। रक्षा की बात करें, ऊर्जा की बात करें, दोनों देशों के बीच व्यापार जो असंतुलित है उसको बैलेंस करने पर भी भारत का जोर रहेगा। लेकिन एक अहम बात जो भारत की तरफ से बात की जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो ये होगी कि जिन भारतीय युवकों को दिग्भ्रमित करके रूसी आर्मी में भर्ती कराया गया है उन्हें जल्द वापसी की मांग भी प्रधानमंत्री भारत की तरफ से करेंगे। जो प्रतिनिधि मंडल जाएगा वो करेगा और इसके अलावा यूक्रेन संघर्ष पे भी दोनों नेताओं की बातचीत होगी। और ये बेहद अहम दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, रूस जा रहे हैं, शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, कई अहम मुद्दों पर चर्चा और दस्तखत भी हो सकते हैं।